हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा मनीष त्रिपाठी और आप सबका मेरे चैनल मेल पर फिर से स्वागत है। आप सभी को राम राम। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में अपनी फैमिली के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं रेड साड़ी में हूँ। हाँ, हमारे स्कूल में पीटीएम हुआ था और पीटीएम के बाद हम लोग गए थे रेस्टोरेंट, पार्टी थी क्योंकि हमारे 100 बर्थडे कम्प्लीट हो गए थे। और देखिए मेरी बेटी कितनी मस्ती कर रही है, सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। और मुझे, मैं इसलिए बहुत सबसे ज़्यादा खुश थी कि मेरी आतिया बहुत हैप्पी थी। मैं उसको वैसे भी कहीं नहीं ले जाती हूँ, तो इस बहाने वो मेरे साथ, उसको उसका घूमना हो गया। यहाँ पर सारी टीचर्स हैं और सब एक दूसरे में, पता ही है जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो सब अपने बिजी रहते हैं, अपना फ़ोन, अपनी सेल्फी। मैं भी सब शूट कर रही थी कि मुझे आप लोगों को भी दिखाना रहता है, आप लोगों से बताना रहता है। सारी फ्रेंड्स हैं, सब स्टाफ हैं, बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं मतलब मैम लोगों से बोल रही थी कि खड़े हो जाइए, पर वो क्या, सब अपने अपने में ही बिजी थे। और रंगरेजा, मतलब मेरे ख्याल से 3rd या 4th टाइम में गई थी। यहाँ वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा मैं नर्वस हुई क्योंकि मेरी आद्या का फर्स्ट बर्थडे रंगरेजा में हुआ था। उसके पापा ने बहुत अच्छे से सब कुछ किया था, तो कहीं भी जाओ ना तो चीज़ें एकदम दिमाग पे आ जाती हैं। तो कितनी भी भीड़ में आप रहो, कुछ भी रखो, वो चीज़ें मन में आनी ही हैं। पर कोई बात नहीं, जहाँ भी, ये तो ज़िंदगी है, अभी चलती ही रहेगी। तो मैं खुश रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए अब कुछ भी कर सकती हूँ। बस ये शालिनी मैम है जो बहुत अच्छी हैं, ये पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है। शालिनी मैम ऑनर हैं स्कूल की, और इन्हीं लोगों के साथ मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैं भी अपना लगी हुई थी इन लोगों के साथ कि हाँ ठीक है, मेरी आद्या की खुशी तो आप लोग देख ही रहे हैं। कितनी हैप्पी थी ना, इतनी हैप्पी थी, बहुत इन्जॉय की मेरी बेटी ने। मतलब वो खुश तो मैं खुश, मेरी दुनिया खुश। देखे कैसे डांस कर रही है, एकदम इन्जॉय कर रही थी। वहाँ पर सब लोगों ने डांस भी किया, सारी मैम लोगों ने, तो मेरी आद्या भी बहुत इन्जॉय कर रही थी। यहाँ पर बैठ के सब लोग अपना डिसाइड कर रहे थे किसको क्या खाना है, क्या मंगाना है। तो मेरी बेटी का तो रहता है फ्रेंच फ्राइज, वो फ्रेंच फ्राइज बोल रही थी। फिर आद्या के लिए नूडल्स आया, बाकी सब लोगों ने अपना लंच ही किया। सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की। अब मेरी बेटी किसी से डरती नहीं है ना, तो अपना लगी हुई थी इन्जॉय करने में। और हम भी यहाँ पर, फिर सॉन्ग, वहाँ पर सॉन्ग बज रहा था, एक सब गा पो रहे थे, तो मैम लोग बहुत इन्जॉय कर रही थी। एकदम सच में यार मस्त हैं, एकदम बेधड़क टाइप की। सब लोग डांस करने जा रही थी यहाँ से, वो लोग जाइए, वहाँ पर गाना हो रहा था, सॉन्ग सिंगिंग हो रही थी, तो वो लोग गई डांस करने, तो मैं भी गई। मुझे शूट करना था, मुझे एक मूवमेंट को शूट करना था कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है, मुझे दिखाना था आप लोगों को कि हमने कितना इन्जॉय किया। बहुत इन्जॉय किए थे वहाँ पर। सॉरी, मेरी बेटी को मैं बोली जाओ डांस करो, पहले थोड़ा सकचा रही थी, लेकिन फिर वो बहुत डांस की, बहुत खुश हुई, वो बहुत हैप्पी थी। देखिए कैसे डांस कर रही है मैं लोगों के साथ, वो इन्जॉय कर रही है और पूरा लास्ट तक इन्जॉय की। फिर तो वो ऐसी हो गई थी कि जब जितना उन लोगों में, हम लोगों ने डांस किया, इतना डांस की है, मतलब रुक ही नहीं रही थी। जब वो लोग अंदर आए तब जाके अंदर आई है, बस बहुत मस्ती की। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पहले जब लोग रेस्टोरेंट में गए तो बहुत शांति थी वहाँ पर। हो गया जो वो भैया सिंगिंग तो कर रहे थे, लेकिन कोई इन्जॉय, मतलब कोई उनका सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब से मैम लोग गई तो इन्होंने फिर यहाँ, मतलब पूरा क्लैपिंग शुरू कर दी, सिंगिंग शुरू कर दी साथ में, एंड डांसिंग शुरू कर दी। तो पूरे रेस्टोरेंट में जितने भी गर्ल्स बॉयज थे ना, सब आके बहुत डांस किए। मैं वीडियो में आप लोग आगे देखिएगा, मैंने शूट किया है कि मतलब सारे जितने लोग थे सब ने बहुत इन्जॉय किया। जितने लोग थे सब झूमने लगे थे, अपना डांस करने लगे थे, सिंगिंग करने लगे थे, हूटिंग करने लगे थे, तो माहौल ही चेंज हो गया था वहाँ का। और ये स्कूल की मैम लोग हैं, शालिनी मैम भी है साथ में, मेरी बेटी को आप लोग देख ही रहे हैं कितनी मस्ती कर रही है। मैं इसका आप लोगों को ओरिजिनल वीडियो भी डालूँगी, आप लोग देखिएगा कि इसमें क्या क्या सॉन्ग है।
कैसे एंजॉय कर रहे हैं, उस बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करूँगी मैं, जो जैसे था जो जैसे रियल है मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊँगी। और मैं मुझे लग रहा था मैं इन लोगों की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो साथ में थोड़ा मैं भी गुनगुना लूँ, क्योंकि मैं तो शूटिंग कर रही थी, डांस नहीं करना था। पर खैर जैसा भी था जैसा भी रहा, अब इतना मैंने सोच लिया है खुद से कि मैं अपनी बेटी को इतना खुश रखूंगी ना कि वो मतलब कभी भी ये नहीं महसूस करे कि मेरे पापा मेरे पास नहीं है। हालांकि उसके पापा की जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन मेरी खुशी पूरी कोशिश रहेगी, वो उसके चेहरे पे जो खुशी आप लोग देख रहे हैं ना, तो उसकी खुशी देख के मेरे दिल में जो सुकून था वो मतलब बता नहीं सकती मैं। और यहाँ आप लोग देखिए, वो ये स्ट्रेंजर्स है जो गर्ल्स यहाँ पर डांस कर रही है, उनको जानते तक नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग माहौल ऐसा बना दिया था वहाँ का मैम लोगों ने कि सब आपस में आके डांस कर रहे थे। यहाँ पर सब डांस ख़त्म हुआ और सब लोग आ गए लंच करने। मेरी आद्या का अलग ही रहता है, यहाँ पर वो कुछ कुछ बोल रही थी कि हम लोग कुछ इंट्रोड्यूस कर रही थी और सब इंजॉय कर रही थी बस। और यहाँ पर माँ बेटी का फोटो शूट हो रहा था, आप लोग देखिए हम लोग अच्छे लग रहे हैं कि नहीं ये भी बताइएगा। छोटी सी ही सही लेकिन छोटी छोटी खुशियों में ना अब मैं बहुत खुश रखती हूँ अपने आप को, अपनी बेटी को। और इसी के साथ कि शायद मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे, और तो मैं बाय बाय करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।